राजनामा दुनिया के साथ मैं प्रिया। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच ने मुस्लिम पक्ष को जवाब दाखिल करने को कहा है, साथ ही यूपी सरकार से हलफनामा तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका पर मुस्लिम पक्ष के जवाब का इंतजार है, रिपोर्ट पढ़ने के बाद सर्वे पर विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। वहीं कोर्ट ने हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक बरकरार रखी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार को संभलकर चलने की हिदायत दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। दरअसल कथित शिवलिंग को कार्बन डेटिंग कराए जाने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से रिवीजन याचिका दायर की थी। ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने यह याचिका दायर की थी। वह हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट से पहले ही केविट दाखिल कर चुका था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह कैसे होगा, इस पर वाराणसी कोर्ट निर्णय लेगा, उन्हीं की निगरानी में यह काम किया जाएगा। हालांकि बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, ऐसे में वाराणसी कोर्ट ने आगे सुनवाई नहीं की। बुधवार यानी 12 जुलाई को इस मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।